चिल्ला चिल्ला कर भौंक रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तारीख ही बताते रहेंगे, उनके मुंह पर ये ताला लगा दिया गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश नो ए विस्तार के जेना हाथ थी बनेला ताड़ा खूबज प्रख्यात छे। हवे ज्यारे अयोध्या मा राम लल्ला नी प्राण प्रतिष्ठा थवा जाई रही छे त्यारे अलीगढ़ थी 400 किलो नू ताड़ू पहुंच्यू छे अयोध्या। जी हाँ, अलीगढ़ ना ज एक राम भक्ते अयोध्या मा राम मंदिर माटे 400 किलोग्राम एटले के 4 क्विंटल नू ताड़ू बनावीने तैयार कर्यू छे। आ ताड़ा ने विश्वनू सौथी मोटू ताड़ू गणावाई रह्यू छे। ताड़ा ने सत्यप्रकाश शर्मा अने तेमना पत्नी रुक्मणीए तैयार कर्यू छे। तेमना माटे तेमणे केटलाय महिनाओनी मेहनत करी छे। आ ताड़ू 10 फूट ऊंचू, 4.5 फूट पहोळू छे अने 4 फूट लांबी तो तेनी चावी छे। अंदाजे 2 લાખ રૂપિયામાં आ ताड़ू तैयार करायू छे। મહામંડલેશ્વર ડોક્ટર અન્નપૂર્ણા ભારતી આ તાળાની અલીગઢમાં પૂજા અર્ચના કરી તેને અયોધ્યા લઈને પહોંચ્યા છે। એક સબસે બડા મેસેજ અલીગઢ કી ઓર સે સમૂચે વિશ્વ કે ઉન વિરોધીઓ કે લિયે હૈ જો ચિલ્લા ચિલ્લા કર ભોંક રહે થે કે રામ મંદિર કબ બનેગા, બનેગા યા નહીં બનેગા, તારીખ હી બતાતે રહેંગે ઓર મેરે પ્રભુ રામ કો રાજનીતિ સે જોડ રહે થે ઉનકે મુહ પર યે તાલા લગા દિયા ગયા હૈ। અલીગઢ સે આયા હૈ और ये इसका वजन तकरीबन 450 किलो है और इसकी चाबी का वजन कम से कम 30 किलो है। और इनको जो इसने बनाया है उनका नाम सत्यप्रकाश शर्मा है, जिनका देहांत हो गया है। और इनका जो आगे का प्रक्रिया पूरी की है वो अन्नपूर्णा जी ने की है, जो अलीगढ़ के महामंडलेश्वर जी हैं और जिनका मंदिर है बंगलामुखी मंदिर। ये मतलब एक जैसे हर जगह की वो होती है, जैसे आपके यहाँ का कुछ मतलब मशहूर चीज़ होती है, ऐसे हमारा अलीगढ़ का ताला मशहूर है, इसी वजह से ये इसको भेंट के तौर पे एक चिन्ह के तौर पे दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि इसको कुछ जानकारी है कि कितने दिन इसे बनाने में लगे या कितने कारीगर लगे, ऐसी कोई जानकारी? इसके इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये सुनाया था मैंने, वो इसके 1.5-2 महीने बताया है, 6 महीने, 6 महीने का भी। अयोध्या राम मंदिर ने लेने लोगों में अनेरो उत्साह छे। દિવાળીનો માહોલ દેશભરમાં છે અને દરેક લોકો પોતપોતાની રીતે યોગદાન આપવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। ત્યારે અલીગઢથી અયોધ્યા પહોંચેલું આ 400 કિલોનું તાળું રામ જન્મભૂમિ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને સોંપાશે। રામ મંદિરના દર્શને આવનારા લોકો આ તાળાને અલીગઢના પ્રતીક ચિહ્ન રૂપમાં જાણશે। વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિથી તાળા કારોબારીઓનું મનોબળ પણ વધશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક।